भाई आज के एपिसोड में वरुण सूद भी आ रहे हैं दिव्या के लिए, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वरुण सूद भी आ रहे हैं दिव्या के लिए और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि दिव्या हमेशा मिस करती थी। इनफैक्ट मैंने और गावा ने वरुण को फ़ोन भी किया था और कहा था कि यार दिव्या तुझे बहुत मिस करती है ब्रो, प्लीज़ अपनी हुडीज भेज, बेचारी के पास एक ही वाइट हुडी है तेरी। तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टू सी दिव्याज रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ऑल्सो टू सी के वरुण क्या धमाल करते हैं अंदर, क्या कहते हैं घर वालों को। तो यू नो आई एम रियली एक्साइटेड। आई थिंक वरुण के आने से थोड़ा सा दिलचस्प हो जाएगा बिग बॉस एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। आज का वीकेंड का वार देखना ना भूलिएगा। इतना लेट जा रहे वरुण सूद दिव्या के लिए, तो आप कैसे देख सकते हैं? बहुत सारी जोड़ी थी अंदर, बहुत सारी जोड़ी थी, दिव्या की भी जोड़ी थी, मैं दिव्या की जोड़ी था। बट लाइक आई सेड कुछ ना कुछ हुआ है दिव्या के साथ भी, हमेशा मेरे साथ भी। मैं तो इविक्ट हो गया, बेचारी दिव्या अकेले रह गई। एंड बट जैसा कि मैंने हर इंटरव्यू में कहा, वो लड़की शेरनी है यार, शी लिटरली इज़ अ वॉरियर। उसने अकेले बताया कि बॉस अगर कनेक्शन नहीं भी है मेरा, मैं अकेले खेल सकती हूँ गेम, एंड दैट इज़ व्हाई आई थिंक दिव्या डिजर्व्स टू विन। तो हाँ, अब लेट हो गया है बट ठीक है, लास्ट हफ्ता है तो अब लास्ट हफ्ते में थोड़ा धमाल हो जाए। तो आई थिंक वरुण आ रहे हैं, it'll be fun to see him in the house. आपके हिसाब से कौन जीत सकता है बिग बॉस? यार मेरे हिसाब से तो मैं ही जीत सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आ गया बाहर, आपको रीजंस पता है। तो आई थिंक अगर अब किसी में है पोटेंशियल जीतने का, एंड आई मैं दिल से चाहता हूँ कि कोई जीते, तो वो है दिव्या, क्योंकि शी डिजर्व्स वो अकेले खेली है बॉस गेम, उसने किसी के साथ नहीं खेला है, उसने उसका कनेक्शन भी चला गया था। तो आई थिंक भाई hats off to that girl, she is a warrior and I think she deserves to win.